हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शीतल सुरेजा वेज किचन। कैसे हैं आप सब? आज आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ, तो हाँ, मैं आज बनाने जा रही हूँ कच्चे आम का शिकंजी या आम पन्ना। ये बहुत ही आसान रेसिपी है, जल्दी ही बन जाती है। ये हमें गर्मी और लू से भी बचाती है। आप भी अपने घर में बनाइए, पीजिए और सबको पिलाइए। तो चलिए शुरू करते हैं हम। देखिए दोस्तों, कच्चे आम का शिकंजी या शरबत बनाने के लिए पहले मैंने कच्चे आम को अच्छे से धो लिया था। अब मैं इनके छिलके निकाल के छोटे छोटे पीस कर लेती हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने इस तरह से छोटे छोटे पीस काट लिया है। अभी मैं कुकर में डाल के उसको बॉईल करूंगी। अब मैं है ना ये छोटे छोटे पीस कुकर में डाल दूंगी सारा का सारा। कुकर में करने से क्या होता है ना, ये जल्दी बन जाता है। अब मैं पानी डालूंगी, एक गिलास डाला है करीब, और थोड़ा आधा डेढ़ गिलास जितना। अभी मैं इसको 5 सीटी लगाऊंगा। ये देखिए दोस्तों, मेरा कच्चा आम को मैंने अच्छे से बॉईल कर दिया था। अब देखो कितना अच्छे से हो गया है। अब मैं इसको ठंडा होने दूंगी, बाद में हम मिक्सर में पीस लेंगे। अब ठंडा हो चुका है हमारा पेस्ट, तो अब है ना हम इसे मिक्सर में पीस लेंगे। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा पुदीने के पत्ते, अदरक का टुकड़ा और 4 चम्मच चीनी, अब इसे मैं अच्छे से पीस लूंगी, बारीक पीसना है। ये देखिए दोस्तों, कितनी अच्छे से ये मेरा मिक्सर में मैंने पीस लिया है, देख सकते हो आप। अब मैं इस छोटे बाउल में शिफ्ट कर लेती हूँ इसमें। ये देखिए, अभी मैं इसके अंदर 1 चम्मच काला नमक डालूंगी, थोड़ा सा ब्लैक पेपर करीब 1/2 चम्मच, हल्का सा नमक, हल्का सा, और 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरे का पाउडर। अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये इतना मज़ेदार बनता है ना, आप भी अपने घर में बनाइए ज़रूर। गर्मियों में इसको ठंडा ठंडा पीने में इतना टेस्टी लगता है। आप इसको है ना फ्रीज में भी स्टॉक करके रख सकते हो, एक कांच की शीशी में भर के। अभी हम इसे है ना ग्लास में सर्व करेंगे। अब मैं ग्लास के अंदर आइस डालूंगी। अब ये पेस्ट डालूंगी। आप इसके अंदर सोडा या पानी भी डाल सकते हैं, जो आपको ठीक लगे, पर मैं सोडा डालूंगी। अब हम चम्मच से मिक्स कर देंगे इसे।
हम थोड़ा सा गार्निश करेंगे बढ़िया से। ये देखिए दोस्तों, मेरा ठंडा ठंडा एकदम चिल कच्चे आम का शिकंजी या शरबत रेडी है पीने के लिए। तो ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।